नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? क्या चल रहा है जीवन में? आज हम लोग बात करेंगे मेरी हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL की इंटर्नशिप के बारे में ड्यूरिंग माय IIM MBA। 2015 में मैंने अपना MBA चालू किया था, 17 में ग्रेजुएट हो गया था, 16 के बीच में मैंने अपना इंटर्नशिप किया था हिंदुस्तान यूनिलीवर में। तो जो लोग नहीं जानते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर इज वन ऑफ द टॉप सेल्स एंड मार्केटिंग FMCG कंपनी इन द वर्ल्ड। FMCG का मतलब क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जो आपके घर में साबुन आता है, आपके घर में जो दंत मंजन आता है मीन्स टूथपेस्ट आता है, या फिर कोई आपका वॉशिंग क्रीम्स आती है, या फिर साबुन आता है, या फिर बटर आता है, मिल्क आता है, दीज आर ऑल FMCG। एंड इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर, PNG, अमूल, रैकेट बेनिक्सर, डाबर, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, मारिको, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है। और इनके प्रोडक्ट्स आप हर कोई आदमी, कोलगेट इज ऑल्सो वन ऑफ देम, दीज आर टॉप FMCG कंपनीज इन द कंट्री। एंड यहाँ पर जो भी जिसको भी सेल्स एंड मार्केटिंग करना है, सीखना है, दीज आर द बेस्ट प्लेस टू बी इन। लेकिन मेरा जो HUL में जो भी इंटर्नशिप हुई थी, इट वॉज बाय एन एक्सीडेंट, बिकॉज मुझे पता नहीं था मुझे भैया जाना किधर है। तो मुझे HUL के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन जब मुझे पता बताया गया कि भैया कैंपस में HUL आ रही है, सब लोग बहुत 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 एक्साइटेड थे। हमें पता नहीं था कि होती है, लेकिन हमने भर दिया था फॉर्म और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ कॉल, लेकिन मुझे कॉल आ गया था। ठीक है, तो पहली बात ही समझना चाहिए कि HUL में जाना कितना मुश्किल है। HUL में टॉप ASM सेल्स एंड मार्केटिंग के रोल में जाना बहुत 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 मुश्किल है। आई टेल यू व्हाई। 2.5 लाख लोग एग्जाम देते हैं, राइट? तो उसमें से IIMs के लिए, तो उसमें से खाली HUL टॉप 10 या 15 कॉलेज में जाती है। तो पहले आपको IIMs में निकालना है, जिसका कट ऑफ खाली 1% होता है। तो टॉप IIMs 1% या 2% होता है, तो टॉप IIMs में खाली 4000 बच्चे गए, और 4000 बच्चों में से भी खाली वो 2000 वाले कैंपस में जाती है, उसमें से भी खाली 1000 लोग जो सेल्स एंड मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं उधर जाते हैं, उसमें से भी खाली 100 लोगों को लेते हैं वो, और 100 भी नहीं, शायद उससे भी कम लेते हैं। तो द चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू HUL इज 0.01 और 0.05%, मतलब बहुत मुश्किल है। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द कॉलेज प्लेसमेंट्स। अगर आप अपने BBA में हैं, या फिर BTech में हैं, या फिर आप अपने अंडरग्रेड में हैं, और वहां से अगर आपको HUL में जाना, तो उसके चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं, लेकिन आपको मेहनत करेंगे तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो HUL की जो बहुत HUL इज द टॉप, इंडिया में बोलते हैं टॉप सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी। उसकी जो ब्रांड्स है लाइक लाइफ बॉय, सर्फ एक्सेल, रिन, व्हील, पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, नहीं फेयर लवली का नया नाम क्या हो गया, या कुछ नया नाम हो गया मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में क्या हो गया। जो ब्रू कॉफी आती है, तो ये सारी होती है। ठीक है, तो जब कैंपस में आई थी तो मैंने भर दिया था, और मुझे फिर आई थिंक उनका जो प्रोसेस होता है, तीन बार होता है। पहला होता है GDPI, नहीं सबसे पहले होता है ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद दो राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, तो मुझे प्लेसमेंट से बोला कि भैया आपको HUL का कॉल आया, एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड, HUL कॉल आया, बढ़िया, गजब, आई वॉज सो हैप्पी। बट मुझे इतना पता नहीं था HUL कंपनी क्या करती है, बिकॉज जैसे HUL की अगर आप प्रोडक्ट्स देखोगे तो उस पर HUL की ब्रांडिंग कम होती है, उनकी इंडिविजुअल ब्रांड्स ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉफी लेने जाते हैं ब्रू कॉफी, तो आपको HUL का नाम कम दिखेगा, ब्रू कॉफी का नाम ज्यादा दिखेगा, राइट? तो दैट इज बिकॉज दे फोकस ऑन इंडिविजुअल ब्रांडिंग, नॉट ऑन द मदर ब्रांडिंग और द कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, राइट? सो पहले आपका CV क्लियर होता है, फिर GD, फिर टू राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। ये मेरा प्रोसेस था, और जब मेरा GD का टॉपिक मुझे अच्छे से याद है अभी भी, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट दे हैड आस्क्ड, आई थिंक दे वर 6-7 पीपल सिटिंग इन द रूम, और उन्होंने मुझसे पूछा था, और सबसे पूछा था, मतलब विच इज मोर इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मतलब इतिहास ज़्यादा जरूरी है या भूगोल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो काफ़ी सोचा और अच्छा हो गया था। एंड आई थिंक जब हम लोग बाहर निकल के आ गए थे, तो आई थिंक हाथ की हाथ 2 घंटे बाद पता चल गया था कि आपका शॉर्टलिस्ट हो गया फॉर द नेक्स्ट राउंड। और ये जो फर्स्ट राउंड था GDPI का, वो शायद 4, 5 या 6 बजे था, और सेकेंड राउंड था शायद शाम को 8 बजे टाइम। ठीक है, तो मुझे बोला कि अभी आपका इंटरव्यू आओ, और मुझे पता था कि HUL करती क्या है। आई सीरियसली डिड नॉट नो व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स दे हैव। आई न्यू कि उनके प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन मुझे भैया भगवान कसम बोला पता नहीं था कि कंपनीज कितनी बड़ी है, क्या क्या। तो और क्या होता है, जब आपको कॉल आती है तो आपको तुरंत जाना होता है, राइट? सो यू डोंट हैव टाइम टू प्रिपेयर, राइट? तो क्या हुआ, जब मैं बाहर, तो क्या वहाँ पर क्या होता है, रूम्स वगैरह होते हैं, राइट, जहाँ पर इंटरव्यूज चल रहे होते हैं। तो मैं बाहर खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास मोबाइल से, मैंने मोबाइल में तुरंत देखा भैया HUL क्या करती, कौन कौन सी ब्रांड्स है। ओ फिर मैंने देखा, ओके, ब्रू इज देयर, आई लव कॉफी, तो मुझे थोड़ा ब्रू से कनेक्ट कर दिया, और ज़्यादा मुझे पता नहीं था। और एक दो चीज़ें पता थी कि भैया मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग में क्यों जाना है, वो तुरंत क्वेश्चन बना लीजिए दिमाग में अपन ने। ठीक है, तो अपन रूम में घुसे पहले राउंड के लिए, तो मुझे पहला क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग,
हाय, व्हाट इज योर व्हिच इज योर फेवरेट ब्रांड ऑफ एचयूएल? मैंने कहा ठीक है। नहीं, दे आस्क मी व्हिच इज योर फेवरेट कैंपेन, एड कैंपेन ऑफ एचयूएल। देन आई सेड ब्रू, बिकॉज़ वही अपन देखे गए थे, एंड आई हैव सीन कपल ऑफ एड्स एंड दे वर वेरी इंटरेस्टिंग, कनेक्टिंग विद द यूथ काइंड ऑफ। तो अपन ने वहां पे पूरा ज्ञान दिया, ही वाज हैप्पी। एंड देन मेरा जो सीवी था, मैं वर्कआउट वगैरह काफी करता हूं जो तुम लोगों को दिख रहा होगा, तो मैंने अपने वर्कआउट पे लिखा हुआ था कैलिस्थेनिक्स। मतलब आई डिड नॉट राइट जस्ट जिमिंग या वर्कआउट, आई रोट कैलिस्थेनिक्स, दैट मींस बॉडी वेट ट्रेनिंग ओनली, लाइक लॉट ऑफ पुल अप, पुश अप एंड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। तो उन्होंने वो वर्ड एक कैची था, उन्होंने वो पकड़ लिया, उस पर बात हुई थोड़ा बहुत। देन दे आस्क व्हाई डू वांट टू जॉइन एचयूएल, अपन ने दो तीन जो आंसर को रेडी रखा हुआ था, तो पहला राउंड हो गया भैया क्लियर यहाँ पर जाकर, ठीक है। उसके बाद राउंड नंबर टू था, राउंड नंबर टू वीसी था, जो सामने वाले बंदे थे, ही वॉज सिटिंग समवेयर इन द मुंबई द हेड ऑफिस, एंड देन वी हैड अ कॉल, एंड फर्स्ट दे आस्क अबाउट यू, कहाँ से हो, क्या चल रहा है जीवन में। उसके बाद ही आस्क मी, ओके आपको एक मार्केट रिसर्च करना है, कॉफी की ब्रांड है और नॉर्थ इंडिया में ज्यादा बिकती है, साउथ इंडिया में कम बिकती है, आप कस्टमर से जाकर मिल रहे हो और आप उन कस्टमर से क्या सवाल पूछोगे, तो वो आपकी स्किल्स देखता है कि व्हाट आर योर थिंकिंग स्किल्स एंड हाउ डू यू सॉल्व अ प्रॉब्लम और हाउ डू यू डू अ कॉन्वर्सेशन एंड हाउ डू यू कम टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये हुआ था, तो वहां पर जाकर अपन ने वो भी ठीक ठाक से बोल दिया, एंड देन नेक्स्ट डे हमको पता चला कि भैया नेक्स्ट डे या फिर सेम डे, आई डोंट नो, और मे बी आई डोंट नो आफ्टर, आई थिंक सेम डे देर रात को पता चला 11:30-12 बजे कि आपका एचयूएल में सिलेक्शन हो गया है। लाइक वाओ, बहुत खुश थे, और एचयूएल काफ़ी ज़्यादा पैसा पे करती थी, दे वर पेइंग अस 75,000 रुपीज पर मंथ, वो भी मुंबई में, वो भी इंटर्नशिप के लिए, जो 2 महीने का 1.5 लाख रुपया, और एकोमोडेशन भी देते थे वो लोग। तो आई वाज लाइक वाह मैन, वी मेड इट, वी वर लाइक सो हैप्पी। एंड देन उसके बाद जब हमारा प्लेसमेंट का खत्म हो गया था कहानी, मतलब समर इंटर्नशिप का प्लेसमेंट खत्म हो गया था, तो उन्होंने हमें बुलाया, आई थिंक हमारे प्लेसमेंट में हमको उस टाइम पे ITC भी आई हुई थी, ITC बहुत अच्छा पैसा पे कर रही थी उस टाइम पे, ITC ने पैकेज बढ़ा दिया था अपना महीने का, मतलब 1 लाख कर दिया था शायद, आई एम नॉट 100% श्योर, बट जो मुझे याद है, तो हम लोगों के पास शायद समर इंटर्नशिप्स का जो प्लेसमेंट का प्रोसेस खत्म होने के बाद, आई थिंक हफ्ते भर बाद या 10 दिन बाद हमारे पास प्लेसमेंट सेल आती है, बोलती है कि एचयूएल ने आपका पैकेज, आपका समर इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड है उसको बढ़ा दिया है। तो दे मेड इट फ्रॉम 75,000 to 1,20,000 रुपीज पर मंथ, एंड वी वर लाइक सो हैप्पी, गॉट देम, लाइफ में पहली बार महीने में 1,20,000 रुपये मिलेगा, एंड वी वर सो गॉट देम हैप्पी, राइट। एंड तो ये शायद हुआ था अक्टूबर नवंबर में, आपकी इंटर्नशिप चालू होती है मई, और मई अप्रैल एंड में, मई में चालू होती है इंटर्नशिप, तो इट वॉज ऐसे यहाँ तक हमारा पूरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। और एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ मैं एचयूएल के बारे में आपको, कि एचयूएल दे फोकस अ लॉट ऑन एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, राइट। वो भी चाहती हैं कि उनको जो कंट्री के बेस्ट लोग हैं, बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, बेस्ट पीपल हैं, दे जॉइन, राइट। सो दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन दिस एक्टिविटीज इन द कैंपस, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन द ऑनबोर्डिंग, ऑन द ट्रेनिंग, ऑन द ग्रूमिंग, ऑन द अवेयरनेस। उनका जो प्रोग्राम बोलते थे उसको यूलिप बोलते थे, ULIP, यूनिलीवर इंटर्नशिप प्रोग्राम, और ये कैंपस में बहुत ज़्यादा डिजायर्ड कोविटेड प्रोग्राम रहता था, और बहुत फिल के मजा भी आता था, और लोग PPO के लिए भी बहुत लड़ते थे, ठीक है। तो ये यहाँ तक था हमारा सिलेक्शन का पार्ट। और जब जैसे आप कैंपस आप जब प्लेसमेंट्स के लिए, समर इंटर्नशिप के लिए जब जाते हैं, तो उससे पहले ही आपको पता चल जाता है 2-3 महीने पहले कि आपका वहाँ पर प्रोजेक्ट क्या होगा, आप किस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, और आप वहाँ पर आपका मेंटर कौन होगा, आपका बड़ी क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपका जो मैंडेट है, आपको क्या करना है, वो आपको पहले से पता चल जाता है, ताकि आप थोड़ा प्रिपेयर होके जाएं, ठीक है। तो ये थी कहानी पूरा सिलेक्शन से, मतलब इंटरव्यू से लेकर सिलेक्शन तक। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मुझे बताना अगर मुझे पार्ट टू बनाना चाहिए, जाके जहाँ पर मैं आपको अपना समर इंटर्नशिप का पूरा पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, काफ़ी जूसी है वो स्टोरी भी, कैसे मुझे PPI मिला, कैसे मैंने आइसक्रीम कैटेगरी में काम किया क्वालिटी वॉल्स में, कैसे मैं पूरा काफ़ी ज़्यादा जगह पर ट्रैवल किया, और कैसे मुझे वहाँ पर PPI मिला, कैसा एक्सपीरियंस रहा HUL में, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो दूसरी कंपनीज में नहीं है, या फिर HUL क्यों बोलते हैं उसको CEO फैक्ट्री, वहाँ का कल्चर कैसा है, क्या सीखने को मिलता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें भी जाननी है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना मेरे भाई, कमेंट करो, लाइक करो, सुपर चैट भेजो, सुपर थैंक्स क्या होता है, जो भी होता है भेजो, मुझे बताओ आपको ये समझ में आया, बिकॉज इट विल मोटिवेट मी अलॉट, एंड विल मेक अ पार्ट टू, हाउ डू
व्हाट वाज द इंटर्नशिप लाइक इन हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है? तो मुझे बताना दोस्तों, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं इसका पार्ट टू भी बनाऊंगा, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि एक्सपीरियंस कैसा था, ठीक है? तो वीडियो काफी लंबी हो गई है, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इन द मीन टाइम आप इन दोनों वीडियो को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।